हाय किड्स, हाय सर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है, ठीक है। अ वॉल दैट विल नॉट फॉल। वॉल का मतलब क्या होता है, आपने सुना है? वॉल, वॉल मतलब दीवार, ठीक है। और फॉल का मतलब होता है गिरना। अ वॉल दैट विल नॉट फॉल मतलब एक जो दीवार है जो नहीं गिरेगी। वन डे मुनिया एंड जैनब आर प्लेइंग विद ब्रिक्स एंड मेकिंग देयर वॉल्स, ईच मेक्स अ डिफरेंट वॉल। एक दिन मुनिया और जैनब क्या कर रहे थे, ईंटों के साथ खेल रहे थे, ठीक है। अब तो उन्होंने क्या किया, जब वो ईंटों के साथ खेल रहे थे तो उन्होंने क्या किया, अपने अपने लिए एक एक छोटी छोटी क्या की, दीवारें बनाई। ये देखो दो दीवारें उन्होंने बनाई हुई हैं। ये जैनब की दीवार है और ये मुनिया की दीवार है। जैनब से सर वॉल विल नॉट फॉल इजिली। जैनब ने बोला कि जो उसकी जो दीवार है वो ज़्यादा जल्दी गिरेगी नहीं। मैसन्स टू डोंट पुट ब्रिक्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर एज मुनिया हैज डन। अब देखिए वो क्या बोल रहे हैं कि मैसन्स का मतलब होता है मजदूर। मजदूर क्या करते हैं, जब वो चिनाई करते हैं, जब वो दीवारें बनाते हैं, तो जैसे मुनिया ने जैसे ईंटें रखी हुई ना एक के ऊपर एक, वो ऐसा नहीं करते, वो क्या करते हैं, जैनब की तरह ही काम करते हैं, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट डू यू थिंक विच वॉल विल बी स्ट्रॉन्गर। वो आपसे पूछ रहे हैं कि इन दोनों दीवारों में से कौन सी दीवार ज़्यादा स्ट्रांग होगी जो कि गिरेगी नहीं, बताओ कौन सी। जैनब वाली, क्यों? यहाँ पर ईंटें उसने क्या कर रखी है, क्रॉस में रखी हुई है, मतलब एक के ऊपर डायरेक्ट दूसरी ईंट नहीं रखी, ठीक है। मतलब गिरेगी तो एक ही गिरेगी, नीचे वाली नहीं गिरेगी। जबकि ये वाली जो ईंटें हैं अगर एक गिरेगी तो ये तीन के तीन क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली गिरनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, तो वहाँ पर पूरा होल हो जाएगा। अब देखो डिफरेंट वॉल पैटर्न्स, हियर आर फोटोज ऑफ थ्री काइंड्स ऑफ ब्रिक वॉल्स, कैन यू सी द डिफरेंस इन द वे द ब्रिक्स आर प्लेस्ड। अब देखो यहाँ पर तीन डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, डिफरेंट टाइप के पैटर्न देख रहे हैं। यहाँ पर देखो एक ईंट उन्होंने सीधी रखी है, फिर एक ईंट उन्होंने क्या करी है, लंबाई में रखी है। अब देखो यहाँ पर एक ईंट रखी है, फिर उसका चौड़ा वाला हिस्सा ऐसे में रखा है, फिर देखो यहाँ पर एक अलग पैटर्न है। अब वो बोल रहे हैं कि नीचे भी सेम पैटर्न्स हैं, ठीक है। अब आपको इनसे इनको मैच करना है, ये और ये कहीं ना कहीं मैच होते हैं, बताओ इससे कौन सा वाला मैच हो रहा है, ये वाला मैच हो रहा है, ठीक है, इससे ये वाला, वेरी गुड, और इससे नहीं, रॉन्ग हो गया, ढंग से देखो, रुक जाओ, अब बताओ, हाँ ओके, हाँ इससे ये वाला, इससे ये वाला, और इससे, ठीक है, क्लियर है, समझ आ रही है, ओके।